शिक्षा देते थे। केवल एक मोबाइल उसने जो फिल्म बनाई, बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे हैं। और जब यहां के भारतीय जनता पार्टी के सांसद पहुंचे तो वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था को देख करके हम शर्मिंदा हैं। और ये पहली बार नहीं बीजेपी के लोग शर्मिंदा हो रहे हैं। इनके मंत्री जब अस्पताल देखने गए थे तब भी कह रहे थे कि बताओ इन अस्पतालों को देख करके हम शर्मिंदा हैं। आखिरकार शर्मिंदा क्यों हैं आप? क्योंकि 5 साल आपने काम नहीं किया। अगर 5 साल काम किया होता तो शायद आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। और हमें तो ये लगता है बीजेपी में कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है जिसका हमें और आपको नहीं पता है। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें पता ही नहीं मंत्री कौन बन गया। और अगर मंत्री बन भी गए तो मंत्रियों ने किसके ट्रांसफर कर दिए किसी को नहीं पता। अगर आपने पढ़ा होगा अखबारों में, बताओ ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसा खेल कभी नहीं हुआ जो इस बार हो रहा है इनकी सरकार में। इसलिए जहां इस सरकार की शुरुआत है लोग अभी से शर्मिंदा होने लगे हैं। और अगर उठा करके देखो आप, अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे आपको इलाज नहीं मिलेगा वहां पर। सरकारी अस्पताल में अगर दवाई मांगेंगे तो दवाई नहीं मिलेगी। अगर आप ऑपरेशन कराना चाहोगे तो न जाने कितने दिन का इंतजार करना पड़ेगा तब जाकर के आपका ऑपरेशन होगा। ये हालत है, बताइए 5 साल सरकार चलाने के बाद और डबल इंजन की सरकार। ये नोएडा जहां पर समाजवादियों ने न जाने कितने काम कर करके दिखाए और ऐसे ऐसे काम किए जो काम अभी तक भारतीय जनता पार्टी पूरे नहीं कर पाई है। दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो अगर किसी ने बनाई थी तो समाजवादियों ने बनाई थी। बनाई हम लोगों ने, उद्घाटन किसी और ने कर दिया।